Welcome to Explore and Expand. दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिले जैसे कि कराकरम और हिमालय अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हो सके। हिमालय और कराकरम रेंजेस की ज़्यादातर चोटियाँ और वादियाँ अभी तक बहुत कम पाकिस्तानी ट्रैकर्स ने एक्सप्लोर की हैं। सो आएं पहाड़ों और ग्लेशियर्स के मिलाप से बनने वाले नामालूम रस्तों की तलाश करें, जो कि हमारा अजीम विरसा हैं, जो हमें इसरार के खित्ते से दूसरे खित्ते तक ले जाते हैं। हमारी आज की वीडियो कराकरम रेंज के अहम इलाके मुस्ताक पास और सरपोलागो पास के बारे में है, लेकिन आएं पहले इस मुस्ताक पास की खोज की तारीख पे बात करते हैं। कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में सबसे पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर्स 1830 की दहाई में पहुंचे। मुस्ताक पास कहाँ वाकया है? मुस्ताक पास बलतोरो मुस्ताक रेंज के उस पार एक माउंटेन पास है। मुस्ताक पास का रूट स्कर्दो से यारकन के बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट है। 18वीं सदी तक पुराना मशरकी मुस्ताक पास बर्फ के बढ़ते हुए फैलाव और कटाव की वजह से बंद हो चुका था। चुनाचे एक नया रास्ता वेस्ट मुस्ताक इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये तवील रकबे पे फैला हुआ बलतोरो ग्लेशियर के शुमाल में वाकया है और चोगोरी यानी कि केटू के बिल्कुल करीब वाकया है। हम ये तो नहीं जानते कि ये पास पहली दफा कब इस्तेमाल में आया, लेकिन हम ये बात वसूख से कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल सालों नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इस कराकरम पास से निकलने वाले रास्ते का सबसे पुराना जिक्र हमें तारीख दान फ्रांसिस वुड की किताब द सिल्क रोड से मिलता है, जिसमें उसने 284 ईस्वी में चाइना में रहने वाले एक बुद्धमत के राहिब जो कि कश्मीरी था के सफर के बारे में लिखा, जिसके मुताबिक यह रास्ता इससे भी काफी साल पहले आम इस्तेमाल में था और लोग इससे वाकिफ थे। 17वीं सदी में फ्रांसिस बैने नामी एक फ्रेंच डॉक्टर जिसने ये कराकरम पास अबूर करने के बारे में बताया। दुनिया देखने के शौक में वो फ्रांस से निकला और इंडिया पहुंच गया। यहाँ आकर उसने काफ़ी टाइम मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में बतौर शाही तबीब के गुजारा और कई सालों तक यहाँ मुगलिया सल्तनत में खूब घूमा फिरा और वापस जाकर एक किताब लिखी। इस किताब में उसने न सिर्फ स्कर्दू का जिक्र किया बल्कि यहाँ से यारकंद जाने वाले वाहिद पास का भी जिक्र किया, जिसे मशरकी मुस्ताक पास कहते हैं। गॉटफ्रिड थॉमस वाइन 1835 में श्रीनगर से निकलकर बुर्जिल पास और देवसाई को अबूर करते हुए स्कर्दू पहुंचा। यहाँ इसकी दोस्ती स्कर्दू के बादशाह राजा अहमद शाह से हुई और उसने 4 साल हिस्पर और मुस्ताक पास की तलाश में गुजार दिए और एक किताब ट्रेवल्स इन कश्मीर लिखी। हिमालय के बारे में एक पुरानी तसनीफ कर्नल गॉडविन आस्टन की तरफ से 1864 में जर्नल ऑफ द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में शामिल की गई थी। कर्नल यंग हस्बैंड पहला यूरोपियन था जिसने 1887 में ईस्ट मुस्ताक पास को पहली दफा अबूर किया। जब वो पेकिंग चाइना से गोबी डेजर्ट को क्रॉस करके यारकन जा रहा था, इस जगह को छोड़ते हुए उसने मुस्ताक पास को भी आजमाना चाहा और तब उसे ये मालूम हुआ कि वो नाकाफी इंतजाम की वजह से इसको क्रॉस नहीं कर सकता और साथ ही साथ उसके घोड़े भी पास से बार बार गिरकर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। सो उसने घोड़ों को तो वापस भेज दिया और कुछ मुट्ठी भर बहादुर आदमियों के साथ इस मुस्ताक पास को अबूर करने की
खतरनाक मुहिम पे निकल पड़ा और खुशकिस्मती से कामयाब हो गया और बल्तिस्तान के एक करीबी गांव अस्कोले सही सलामत पहुंच गया। 1892 में सर मार्टिन कनवाय ने बल्तोरो ग्लेशियर पर एक मुहिम शुरू की और इसने सारे इलाके की नक्शासाजी भी की। इनकी किताब क्लाइंबिंग इन द हिमालया मुश्ताक पास को समझने में बहुत कारामद साबित हुई। 1929 में इटली के ड्यूक ऑफ स्पोलेटो ने कराकरम रेंज में एक ज्योग्राफिकल एक्सपीडिशन का आगाज किया जिसका एक अहम टीम मेंबर आदितियो देसियो भी था जो कि ज्योग्राफर और जियोलॉजिस्ट था। इस मौका पर उन्होंने नॉर्थ पाकिस्तान में कश्मीर और बल्तिस्तान के इलाकों का अहाता किया और कराकरम रेंज के जनूबी ढलवान पे वाकया बल्तोरो और पनमा ग्लेशियर्स की वादियों और कराकरम और आगिल रेंज के दरमियान वाकया सरपुलागो और शिकसगाम की वादियों में अपनी साइंसी सरगर्मियों को फ़रोग दिया। एरिक शिप्टन एक अंग्रेज़ हिमालयन कोपेमा था। 1937 में एरिक शिप्टन ने अपने साथी टिलमैन के साथ कराकरम रेंज के सर्वे की एक मुहिम की क्यादत की और पूरे कराकरम और हिमालय रेंजेस की पहले चाइना और फिर बरसगीर की साइड से एक्सप्लोरेशन की। आइए अब बात करते हैं सलमान रशीद की, जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले ट्रैवल राइटर हैं और मुल्क में चंद ही ऐसी जगह हैं जहां इनके कदम नहीं पहुंचे। वो 14 किताबों के मुसन्नफ भी हैं। 2006 में इन्होंने मुश्ताक पास क्रॉस करने की कोशिश की और वही रास्ता अपनाया जो कर्नल यंग हस्बैंड ने इस्तेमाल किया था। गो के इन्होंने पास क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन इनके सफ़र का मुनफरिद पहलू ये था कि वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सरपुलागो, मुश्ताक पासेस और केटू को पाकिस्तान और चाइना दोनों साइड से देखा है। आइए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो कि है हमारे मुश्ताक पास और सरपुलागो पास का एक्सपेडिशन। हमारी टीम में शामिल थे मज़र फरीद, खालिद महमूद, अख्तर जावेद, आसफ पीरू और हसन बिन तारक। हमारे एक्सपेडिशन का बंदोबस्त रॉक वैली टूर्स नामी ट्रैकिंग कंपनी के हाथ में था। हमारी एक्सपेडिशन कुल मिला के 17 दिनों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 15 दिन की ट्रैकिंग के दौरान हमने 14 कैंप्स लगाए। हमारी स्कर्दू की फ्लाइट 17 जुलाई को सुबह सवेरे थी। यह मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मौसम की गैर मतवक के सूरत हाल की वजह से अक्सर त्यारे स्कर्दू के लिए नहीं उड़ते और आखिरी लम्हे में भी फ्लाइट मनसूख हो जाती है। उस दिन मौजाना तौर पर हमारे त्यारे ने टेक ऑफ किया और हम 55 मिनट की फ्लाइट के बाद स्कर्दू एयरपोर्ट पे बाहिफाजत उतर गए। स्कर्दू एयरपोर्ट कराकरम रेंज के दरमियान में वाकया है। 19वीं सदी के वक्त से स्कर्दू दुनिया के कोहपेमाओं के लिए अहमियत का हामिल है। हमने होटल में चेक इन किया और फिर हम कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए बाजार की तरफ निकल गए। सामान की तमाम बुनियादी चीज़ें हम पहले ही खरीद चुके थे, लेकिन खाने पीने के कुछ लवाजमात और कुछ एक्सपेडिशन का सामान अभी भी खरीदना बाकी था। अगले दिन 18 जुलाई को हमें सुबह सवेरे रवाना होना था, लिहाजा नाश्ता करने के बाद हमने जीप की सवारी अस्कोले के लिए शुरू की। ये 8 घंटे की जीप राइड थी और हम बाद 10 दोपहर अस्कोले पहुंच गए। अस्कोले वादी शिगर में वाकया शुमाल का आखिरी गांव और कराकरम का गेटवे है और अस्कोले कई कोहपेमाई की मुहिमात के लिए लॉन्च पैड है, जिनमें K2, गशाब्रम 1, ब्रॉड पीक, गशाब्रम 2, गशाब्रम 3, गशाब्रम 4, मशाब्रम, चोगलीसा, बेंथाब्राक, मुश्ताक टावर, स्नोडोम, बिरचड़ी, ट्रैंगो टावर्स एंड शिप्टन टावर, मित्रा पीक, हिस्पर ग्लेशियर्स, पनमा ग्लेशियर और लाटूक रेंज। हमने एक गाइड के अलावा 9 पोर्टर्स का भी बंदोबस्त कर रखा था, जिनमें आफरीन शाह, गुलाम मुर्तजा, सुल्तान बेग, सईद करीम, रहमत करीम, दिलबर खान, जमान करीम, करीम दाद और सैयद सखावत शामिल थे। अगली सुबह हम नाश्ते के बाद अपनी पहली कैंपसाइट चंगचिक्कुन की तरफ रवाना हो गए। मौसम बिल्कुल साफ था। आज का ट्रैक पानी की नदियों के साथ साथ घास के मैदान पर था
हम इन घास के मैदानों पर तेजी से चलते रहे और फिर कुछ देर सस्ताने के लिए रुक गए। कुछ देर आराम करने के बाद हम दोबारा चल पड़े और अपनी सेकंड कैंप साइट चंगचिक्कुन पहुंच गए। आज की हमारी ट्रैकिंग टसोक कैंप साइट की जानब थी। टसोक कैंप साइट पहुंचने के बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से हमें नदी अबूर करके दूसरी साइड पर जाना था, लेकिन दिन के उस टाइम नदी का बहाव अपने अरूज पर था और उस वक्त उसे अबूर करना एक हमाकत थी। सो हमने वहां अपने टेंट लगा लिए कि सुबह सवेरे ही अब नदी क्रॉस कर लेंगे। सो अब अगली सुबह होने तक हमारे पास काफी टाइम बाकी था। इस स्नान में हमने एक बकरा खरीदा और पोर्टर्स ने मिलकर इसे जबह किया और फिर पकाने के बाद हम सब ने मजे से खाया। उस रात टसोक कैंपसाइट एक बहुत बड़े अलाव की चमकती हुई रोशनी में बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रही थी। हम सब आग के अलाव के पास बैठ गए और बल्तियों के साथ बातचीत में मशगूल हो गए। शिमशालियों ने बल्ती जुबान में गाने गाए। बाद में पूरी पार्टी ने पूरे जोश व खरोश से रक्स में भी हिस्सा लिया। अगली सुबह हमने नदी पार की क्योंकि सुबह के वक्त ग्लेशियरी इलाकों में नदियों का पानी काफ़ी कम होता है क्योंकि सुबह के टाइम ग्लेशियर्स जमे हुए होते हैं। चोकटोई हमारी अगली कैंप साइट थी। ये नुबंदे सुबंदे ग्लेशियर के किनारे वाकया थी और हमें वहां जल्दी पहुंचना था। सात घंटों का सफर हमें नुबंदे सुबंदे ग्लेशियर के किनारे ले गया और सूरज गुरूब होने से पहले हम नुबंदे सुबंदे ग्लेशियर पहुंच गए। ग्लेशियर क्रॉस करने के फौरन बाद हमारी कैंप साइट घास के एक मैदान पे थी। अगली सुबह हमने कैंप साइट को बहुत जल्दी पीछे छोड़ दिया और हम पन्मा ग्लेशियर की पेचीदगियों में गुम हो गए। आज काफी बादल छाए हुए थे। रास्ते में हमें एक जगह आईबैक्स का हॉर्न मिला। हसन ने तो इसको अपने सर पे रख के फोटो भी बनवा ली। कुछ देर रुकने के दौरान हमने आराम भी किया और तस्वीरें भी बनाई। अगले दिन भी हमने ग्लेशियर पे अपना सफर जारी रखा। इस दौरान कभी तो चट्टानों के साथ साथ और कभी बर्फ पे चलते हुए हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमारा ज्यादातर रास्ता बोल्डर्स और ग्लेशियर पे था और फिर कैंप एक वादी के दरमियान में लगाया गया। सारे दिन के मुसलसल सफर के बाद हम सब बुरी तरह थक चुके थे। कैंप साइट से लटुक रेंज, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 6000 से 7000 मीटर तक है, साफ दिखाई दे रही थी और हम पन्मा ग्लेशियर और चिरिंग ग्लेशियर के मिलाप और छोटी बड़ी पहाड़ियों के संगम से बने हुए एक पेचीदा ग्लेशियर सिस्टम में दाखिल हो चुके थे। इस दौरान हमने चिरिंग ग्लेशियर पर अपने खेमे गाड़ दिए। ग्लेशियर की सख्त सतह पर रात गुजारना किस कदर थकन अमेज अमर है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो इन मराहल से गुजरते हैं। करीब ही एक और ग्लेशियाई लेक थी। मजर भाई एक ऑलराउंडर हैं जो न सिर्फ एक नहायत ही काबिल वकील हैं बल्कि एक बहादुर मुहिमजो और साथ ही साथ खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। उस दिन कैंप साइट पे इन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार
मीठे की डिश बनाई जो कि सर्द मौसम में हमने गरम गरम खाया और खूब मज़े से खाया। अगले दिन कैंप समेटने के बाद हमने दोबारा चिरिंग ग्लेशियर पे अपना मार्च शुरू कर दिया। बर्फ बहुत नरम और गहरी थी, इसलिए हम घुटने तक बर्फ में बार बार धंस रहे थे। नरम बर्फ पर चलते चलते हम ऊपर की तरफ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगे। सारा रास्ता गहरे बादलों से ढका हुआ था, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र अभी करना बाकी था। इसी दौरान चाय पीने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुक गए, जो कि मौसम का भी तकाजा था। मौसम ख़राब से ख़राब होता चला गया और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में विजिबिलिटी शदीद कम हो चुकी थी और ग्लेशियर पे मज़ीद सफ़र करना बहुत दुश्वार लग रहा था। सो हमने वहीं डेरे डाल दिए। हम लोअर और अपर चिरिंग ग्लेशियर के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे। शाम को जब थोड़े से बादल छटे तो हमें स्कामरी रेंज दिखाई दी, जो कि चाइना बॉर्डर के ऊपर वाकिया थी। सारी रात होने वाली हल्की हल्की बर्फबारी अब ख़राब मौसम की वजह से सुबह होने तक शदीद बर्फबारी में तब्दील हो चुकी थी और शदीद कोहर का आलम था। ऐसे में चंद कदम से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस शाम हमने अपना रात का खाना जल्दी जल्दी खा लिया और अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुस कर सो गए। मौसम में फिलहाल बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, सो मजबूरन हमें रुकना पड़ गया। बोरियत दूर करने के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज बनाए और पेट पूजा की। कुछ देर बाद बर्फबारी भी थम गई और हमें भी कुछ उम्मीद लग गई कि अब सफ़र दोबारा शुरू हो सकेगा। अगली सुबह मौसम मुकम्मल तौर पे साफ नहीं हुआ था और बादल अभी भी छाए हुए थे। हमने अपना सामान बांधा। पहाड़ी इलाकों में मौसम गैर मतवक के तौर पर अचानक बदल जाता है। इसी उम्मीद पर कि मौसम बेहतर हो जाएगा, हम चल पड़े। जैसे जैसे हम मुश्ताक पास की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारी बेताबी बढ़ती जा रही थी। दूर पीछे पाक चाइना बॉर्डर पे स्कामरी रेंज दिखाई दे रही थी। मगरबी मुश्ताक पास में चढ़ने में हमें पूरा दिन लग गया, जो कि एक पुरखतर मरला था। सो हम मामूल के मुताबिक रोप अप हुए हुए थे। मौसम भी अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था, सो हमारा सफ़र जारी और सारी था। इस दौरान हमने एक गहरे और तवील क्रेविस पोर्शन अबूर किया, जिसको अबूर करने में खासा वक्त लग गया और करीबन दिन के 2 बजे हम मुश्ताक पास के टॉप पे पहुंच गए। ऊंचाई चढ़ने के दौरान मुश्किलात के बाद ऊपर का नज़ारा बहुत ही दिल फरेब था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुश्ताक पास का नाम कैसे पड़ा। सदियों पहले जिस रास्ते से बल्तोरो ग्लेशियर के रास्ते यारकन जाते थे, उस रास्ते को माजी में मुश्ताक कहा जाता था। हमारी टीम के लिए ये पुरफ़ख्र लम्हा था, क्योंकि जिस पास को एरिक शिप्टन की टीम ने 1937 में अबूर किया था, उस पास को करने वाली अगर कोई पहली और अब तक की वाहिद पाकिस्तानी टीम थी तो वो हमारी ही टीम थी। कुछ देर तस्वीरें लेने के बाद हमने लखमू ग्लेशियर की तरफ नीचे उतरना शुरू किया, जहां हमारी अगली कैंपसाइट थी। एक ख़तरनाक और मुश्किल उतराई के बाद हम एक एक करके नीचे पहुंच गए और कैंप्स भी लगा लिए। खुशकिस्मती से मौसम भी साफ हो चुका था और इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने केटू की कुछ दिल फ्रेब पिक्चर्स लीं। उस लम्हे केटू की बस चोटी ही दिखाई दे रही थी।
अब हम अपने एक्सपीडिशन के पेचीदा मरले में दाखिल हो चुके थे। यह मैं आपको बताता चलूं कि कराकरम के बहुत से सदियों पुराने पासेस जो स्कर्दू के राजा अहमद शाह के दौर में इस्तेमाल होते थे काफ़ी अरसा पहले बंद हो चुके थे। पुराने पासेस के बंद हो जाने की कई वजूहत थी। नंबर वन, कर्नल यंग हस्बैंड और शॉन बर्गर के मुताबिक इसकी वजह ग्लेशियर का बतदरीज फैलाव था। नंबर दो, गॉडविन ऑस्टिन की थ्योरी के मुताबिक 16वीं सदी में कंजूतियों यानी हुंजा के डाकुओं के बल्ती काफिलों पर बढ़ते हुए हमलों के खतरे की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रास्ता गैर आबाद होता गया। और नंबर तीन, एरिक शिप्टन के मुताबिक ग्लेशियर शदीद कटाव का शिकार होते गए और इस वजह से इस पर चढ़ना नामुमकिन हो गया और आने वाले वक्तों में ये साबित हो गया कि एरिक शिप्टन ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब वापस आते हैं अपने एक्सपीडिशन की तरफ, जहां बात कर रहे थे सरपलागो अबूर करने की। हम अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत सा सफ़र बाकी था। सो नाश्ते के बाद हमने अपना सामान बांधा और वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। हम मुसलसल चलते रहे और बिलआखिर आइसवाल के बिल्कुल करीब पहुँच गए। अब वक्त था इस खतरनाक दीवार पर चढ़ने का, सो इंतहाई एहतियात से हम सब रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगे। आखिरकार एक मुश्किल और खतरनाक रास्ते पे चलते हुए सरपलागो जो कि 5700 मीटर हाइट पे था के टॉप पे पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारी टीम के लिए ये पुरफखर लम्हा था क्योंकि जिस पास को एरिक शिप्टन की टीम ने 1937 में अबूर किया था, उस पास को करने वाली अगर कोई पहली और अब तक की वाहिद पाकिस्तानी टीम थी तो वो हमारी ही टीम थी। हमारे लिए एक बार फिर एक नहायत ही पुरमसरत मौका था क्योंकि एज ए फर्स्ट पाकिस्तानी टीम हम कराकरम के दो अहम और हिस्टोरिक पासेस मुस्ताक पास और सरपलागो पास के समिट तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना चुके थे। सरपलागो पास के टॉप का नज़ारा नाकाबले बयां था, दूर से सुगर जंगल भी दिखाई दे रहा था, लेकिन कुदरत के इस शानदार नज़ारे में खो जाने के बावजूद हम ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रुक सकते थे क्योंकि एक इंतहाई ठंडी हवा चल रही थी और बर्फबारी के भी आसार थे। सो हमने तस्वीरें और वीडियो बनाने के बाद वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। बर्फबारी भी शुरू हो गई और हम आहिस्ता आहिस्ता रस्सी की मदद से नीचे की जानब उतरने लगे और क्रुकसम वेस्ट हाई कैंप साइट पहुँच गए। अगली सुबह जब हम नींद से बेदार हुए तो सारी कैंपसाइट पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी और अब भी मुसलसल बर्फबारी जारी थी, लेकिन हमारे साथ एक बड़ा मसला ये दरपेश था कि हमारा राशन तेजी से ख़त्म हो रहा था और बहुत थोड़ा बाकी रह गया था। सो हमने जल्द ही वहां से चलने का इरादा किया। हमारी अगली कैंपसाइट कुरुकसम ग्लेशियर लोअर कैंपसाइट थी। सुबह हमने जल्द ही कूच के मराहिल तय कर लिए और बादलों में घिरे रास्ते पर गामजन हो गए जो कि हेज की वजह से बहुत कम दिखाई दे रहा था। हमारा ख्याल था कुरुकसम ग्लेशियर पर ट्रैकिंग कदरे आसान होगी, मगर ये ख्याल गलत साबित हुआ और हमने टूटे फूटे क्रेविसेस से पूर ग्लेशियर को क्रॉस करना शुरू किया। ये बहुत ही लंबा जिगजैग रास्ता था और कोई रूट नहीं था, इसलिए हमें आगे रास्ता बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी। सो हमारी रफ्तार काफ़ी आहिस्ता थी। यह हिस्सा बर्फ़ से अटी हुई चट्टानों पर मुश्तमिल था। नीचे उतरते हुए
हमने काफ़ी क्रेविसेस पार किए और बिल आखिर हम शिपटन टावर के सामने वाली कैंपसाइट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस टावर की वजह से इस कैंपसाइट का नाम शिपटन कैंपसाइट था। हमारा कैंप एक छोटी सी घास की पहाड़ी पर लगाया गया। ये पहाड़ी फूलों से भरी हुई एक वादी में चट्टानों के बीचों बीच वाकया थी और बाईं तरफ ट्रायंगो टावर्स भी देखे जा सकते थे। इस जगह रात गुजारने के बाद अगली सुबह हम अपनी अगली मंजिल की जानब गामजन हो गए। ट्रायंगो ग्लेशियर पे 2-3 मील की ट्रैकिंग के बाद हमने अपना रुख बल्तोरो ग्लेशियर की जानब मोड़ दिया। बल्तोरो ग्लेशियर पोलर रीजन के बाद दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर में से एक है। पहले 2-3 मील हम आइस मोरेन पर ज़िगज़ैग रूट पे चलते रहे। ये इलाका आइस फाइल का शिकार था, सो हमें इसको अबूर करने में खासा वक्त लग गया। ग्लेशियर के पिनेकल वाले पोर्शन से बचने के लिए हमने पहाड़ पर चढ़ना बेहतर समझा, जिस पर हम तेजी से रास्ता तय कर सकते थे। इस पहाड़ी पर से गुजरते हुए हमने गशाब्रम पीक का शानदार नज़ारा भी देखा और फिर उतराई के बाद हम पायो कैंपसाइट पहुंच गए। अगली सुबह हमारी ट्रैकिंग बर्दमल के रास्ते झोला कैंपसाइट तक पहुंचने की थी। बर्दमल उस दरमियानी मुकाम को कहते हैं जो पायो और झोला कैंपसाइट के बीच में वाकया है। झोला कैंपसाइट एक घास के मैदान पर वाकया थी। ये मैदान छोटी मोटी झाड़ियों और दरख्तों पर मुश्तमिल था। इस कैंपसाइट में हमें बहुत से फॉरनर ट्रैकर भी मिले जिनका ताल्लुक पोलैंड और स्पेन से था, और उस वक्त अगर कोई वाहिद पाकिस्तानी टीम थी तो वो हम ही थे। जल्द ही हमारा एक्सपीडिशन अपने इख्ताम को पहुंचने वाला था और हम अपने सफ़र की आखिरी मंजिल अस्कोले की तरफ गामजन थे। यहाँ एक जी पहले से हमारा इंतज़ार कर रही थी, जिस पर बैठकर हम वापस स्कर्दू की तरफ रवाना हो गए। स्कर्दू पहुंचकर हम ताज़ा दम हुए और होटल में एक शानदार डिनर किया और अगली सुबह की फ़्लाइट से वापस इस्लामाबाद आ गए। और इस तरह तारीखी मुश्ताक पास और सरपलोगो पास की कहानी भी इख्तिताम पज़ीर हुई। हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात थी, क्योंकि हमारी टीम वो पहली पाकिस्तानी टीम थी जिसने मुश्ताक पास और सरपलोगो पास के न सिर्फ टॉप पे पहुँचे बल्कि इन दोनों पासिस को क्रॉस भी किया, जो आज से पहले किसी पाकिस्तानी टीम ने नहीं किया हुआ था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा।